वैसे तो प्रेजेंटेशन में काफी कुछ होगा ही, लेकिन थोड़ा जैसे भूमिका में कुलर जी ने बताया है कि अभी तक ये क्षतिपूर्ति केवल किसानों के लिए बनाया गया था कि उनका जो किसी भी नेचुरल कैलामिटी के कारण से जो नुकसान होता है, फसल का नुकसान उसमें रजिस्टर करते थे। आदमी ध्यान में आया कि आखिर फसल के अलावा भी नगरों में कुछ व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, कोई उनके औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, कोई मकानों में भी इस प्रकार का नुकसान होता है, तो ऐसे सब लॉस भी मूवेबल इमूवेबल सब प्रकार की जो प्रॉपर्टी है उसका लॉस भी इसमें अगर एंटर होगा तो उसका फिर असेसमेंट के भी तौर तरीके हैं। कुछ हमने जो ये होती है इंश्योरेंस की सर्वेयर्स उनके माध्यम से कराएंगे और कुछ असेसमेंट डीसी की कमेटीज जो हैं वो करेंगी, तो दोनों असेसमेंट के आधार के ऊपर उनको मुआवजे की कुछ राशि उसका एक परसेंटेज वो हम कुछ तो डिक्लेयर पहले से है कुछ आज डिक्लेयर करेंगे, उसमें से वो राहत उनको दी जाएगी। और अब बाद में आज ही जो एक विचार हमारा बना है कि जो नू में जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का भी वहां जान माल सब नुकसान हुआ है, तो जान के नाते से अलग घोषणा करेंगे, लेकिन उनका जो माली नुकसान है, गाड़ियां फूकी हैं, कुछ और एसेट्स जो दुकानें हैं, तो उसका भी इसी पोर्टल में एक प्रकार से जानकारी लेंगे और उसी आधार पर उसकी भी स्कीम बना करके उनको सबको दिया जाएगा, ताकि जो नुकसान जिसका होता है वो क्लेम करता है तो फिर कोई चीज बचती नहीं है। अन्यथा बहुत लोग बाद में शिकायत करते हैं कि फला का तो जो है असेसमेंट हो गया, मेरा रह गया। इसलिए हमने ओपनली सबको कहा है कि आपका जो लॉस हुआ आप अपना दर्ज करें और बाद में फिर उसकी असेसमेंट का काम डिप्टी कमिश्नर और जो बाकी एजेंसीज हैं उसके माध्यम से कराया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हम इसका असेसमेंट करके लोगों को राहत पहुंचा सकें। इसलिए ये पोर्टल जो है इसका एक्सटेंशन किया गया। पोर्टल तो पहले से बना हुआ क्षतिपूर्ति, लेकिन उसको एक्सटेंडेड वे में उसका जो ऑपरेशनल जो उसका दायरा है वो बढ़ाया है। तो ये इसके बाद मैं समझता हूँ कि एक बार प्रेजेंटेशन देखेंगे तो कोई प्रश्न होगा तो उसमें करेंगे। धन्यवाद सर। प्रेजेंटेशन दिया, पोर्टल भी दिखा रहे, तो ये तो पुराना स्वरूप है, आपको याद है पहला ये लैंडिंग पेज है उसका पोर्टल का, इसमें जब व्यक्ति अपनी पीपीपी आईडी भर देगा तो तत्क्षण उस परिवार के जो सदस्य हैं उन सबके नाम आ जाते हैं और फिर जिसके भी फोन नंबर से वो ओटीपी मंगवाना चाहें वो ओटीपी भर के उसके बाद ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा नया स्वरूप है या एक्सपेंडेड वर्षन है क्षतिपूर्ति का, वो अभी इसके बाद आपके सामने आ जाएगा। तो कारण चुनना है कि आपका नुकसान क्यों हुआ, आग से, बाढ़ से, ओलावृष्टि, सूखा, शीतलहर, भूकंप, भूस्खलन, सामूहिक हिंसा, जैसे मुख्यमंत्री जी ने अभी एक पर्टिकुलर रेफरेंस किया, तो कोई भी कारण चुन ले, मान लीजिए बाढ़ ही चुन लिया, तो क्षति का प्रकार बताएं कि आप पशु या पक्षी की मृत्यु या आवास की हानि या फसल खराब या व्यवसाय की हानि, तो जो भी आप चुन लें, मान लीजिए पशु पक्षी की मृत्यु चुन लिया, तो फिर इसमें आपने भरना है कि किस प्रकार के पशु की मृत्यु हुई है, क्योंकि तो सबके लिए कॉम्पनसेशन नॉर्म्स अलग है, और फिर ये भरना है कि कितने हुए हैं। बस आगे दिखा दें जी, कुछ भी एक चुन के बस समाप्त करते हैं इसको। ये किस डेट को हानि हुई, फोटो अगर है तो फोटो अपलोड करेगा और ये कहेगा कि मैं सत्यापित कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा भरी गई जानकारी सही है। कोई पटो दिखाने लगा नीचे, इसको आप अगर ध्यान से देखें, हाँ फोटो है तो अपलोड करें, आवश्यक नहीं। अब आप ये देखिए, जैसे ही ये सत्यापित कर दिया कि ये जानकारी सही है, व्यक्ति का काम खत्म, ना पटवारी ढूंढना, ना कानून को ढूंढना, ना डीसी को ढूंढना, जैसे सीएम साहब ने कहा जो असेसमेंट कमेटियां बनी एनिमल हस्बेंड्री कौन, वो सब कंप्यूटर अपने आप पोर्टल पे जाएगा, सबके पासवर्ड है, वो क्लेम को उनको मैसेज आएगा, एक क्लेम आएगा, तो उसको देख के वेरीफाई करना, भरना और फिर जैसे सर ने कहा जो कुछ नए आंकड़े भी, जैसे अभी व्यवसायिक हानि का आपको भी नहीं मालूम है, तो वो भी मुख्यमंत्री जी नए सिरे से वो हरियाणा सरकार के राज्य के पैसे से जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के नॉर्म्स हैं वो सिर्फ रूरल एरियाज के होते और एक कैप, लेकिन उसको बढ़ा के अर्बन एरियाज को भी लागू करेंगे, स्टेट के बजट से करेंगे, वो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। धन्यवाद। ठीक है जी, ये प्रेजेंटेशन को क्लोज कर देते हैं और
मित्रों जैसा ये क्षतिपूर्ति का विषय है। पहला जैसे मैंने बताया किसानों वाले से हम शुरू करते हैं, तो जो हमने पोर्टल जिस दिन शुरू किया था उस दिन, क्योंकि उस दिन से भी भरने लग गए थे, तो एक महीने का समय उस समय दिया गया था, तो वो 18 अगस्त तक अपनी जो भी क्लेम है किसान की, जो फसल खराब हुई बाढ़ के कारण से, वो उसमें भर पाएंगे और उसके बाद फिर उसका असेसमेंट करके उनको पैसा दिया जाएगा। जो बाकी सब है, वैसे तो 3 दिन से 4 दिन से इसकी जानकारी हमने लोगों को दे दी थी, तो बहुत से क्लेम इसमें बिना लॉन्च किए भी भरे जा चुके हैं, लेकिन आज इसको विधिवत लॉन्च कर रहे हैं और इसमें कोई समय हमने रखना है। तो जो वो बना है सर फसल वाला, वो तो आपने 18 अगस्त के लिए बोला, तो वही समय रहने देते हैं। हाँ ठीक है, तो 18 में भी आज अभी समय पर्याप्त है, और मैं समझता हूँ कि जो इस समय तक घटाक्रम है उसके लॉस की जानकारी सबको अपनी है ही, और वो इसमें 18 अगस्त ही इसके लिए रखते हैं, ताकि आज 2 तारीख है तो 16 दिन का समय और मिल जाएगा, फिर इसके बाद उनका सबका आकलन करके उनको दे दिया जाएगा। इसके बाद जो हमने इसकी हर्जाने की राशि तय की है, उसकी एक परसेंटेज जो हमने आपके माध्यम से लोगों को जो बतानी है, उसमें 2 प्रकार का है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी मकान यानी बिल्डिंग को छोड़ करके बाकी लगभग सारी इमूवेबल रहती है, मूवेबल रहती है, मकान है वो इमूवेबल है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का जहां तक विषय है, उसमें यदि 5 लाख रुपए तक किसी का लॉस है, असेस्ड लॉस, उसका 80% अर्थात 4 लाख रुपया तक उनको दिया जाएगा, जितना लॉस होगा उसका 80%, 5 से 10 लाख तक 70%, 10 लाख से 20 लाख तक 60%, 20 लाख से 50 लाख तक 40% जो एडिशनल है उसका ये जाता जाएगा, और 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक 30%, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक 20%, और ये सब मान लो 1.5 करोड़ तक भी हो जाता है, इससे ऊपर भी होता है, तो एक अपर कैप लगाइए कि टोटल 50 लाख तक और ये कंपनसेशन जो है इस लॉस का मिलेगा। इससे ऊपर मैं मानकर चलता हूं जो इससे बड़े जो भी लोग होते हैं सामान्यतया सब लोग अपना इंश्योरेंस कराते हैं, ये तो उस इवेंचुअलिटी में है जिसने इंश्योरेंस ही नहीं कराया है, ताकि ऐसे समय पर उनको भी एक मरहम जो है वो लग सके। तो यानी 1 रुपए से लेकर 50 लाख तक का लॉस इस परसेंटेज के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ तक के नुकसान के लोगों को ये लाभ उसी हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा। 1.5 करोड़ से ऊपर का है तो 50 लाख उसकी फिक्स राशि है। ये तो है मूवेबल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर कोई मानो व्हीकल है, उसका स्टॉक है, उसकी मशीनरी है, प्लांट है, तो ये सारे इस प्रकार के विषय हैं इसमें कवर होंगे। और जो बिल्डिंग्स हैं अर्थात जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें पहले से हमारी योजना चल रही है और उसी के अंतर्गत अगर 1 लाख तक का है तो वो कम्प्लीट 100% देंगे, 1 से 2 लाख 75%, 2 से 3 लाख 60%, 3 से 5 लाख 50%, 5 से 7 लाख 40% और 7 से 25 लाख तक 30%, और इसको भी कैप किया है 25 लाख पर कि मैक्सिमम किसी बिल्डिंग का अगर कोई लॉस होता है, मान उसमें क्रैक आया है, उसमें कोई फर्श टूट गया, उसमें दीवार गिर गई, उसमें टोटल भी गिर गई, तो भी मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का उसका लॉस ये हमने इसमें कवर किया है। हाँ ये अर्बन एरियाज की फिश, ये जो सारा है ये अर्बन एरियाज का है, जो ग्रामीण क्षेत्र का है वो हमारा जो डिजास्टर फंड है उसकी स्कीम वो अलग से है, उसकी स्कीम है पे बताएंगे जी है, वो स्कीम है, वो भी आपको बता देते हैं। उसमें जैसे पशुवाद या घर के कच्चा के पक्का वो प्रसिडिंग से एक्शन में होता है, उसका शायद 1,20,000 रुपया मकान का लेकिन उसमें भी जो है मुझे लगता है थोड़ा राशि कम है और हम उसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करके आपको बताएंगे। ग्रामीण क्षेत्र वाला जो है उसकी राशि आपको ये बताएंगे जो पहले से तय है जी। लेकिन वो मैंने एक बार देखा है उसमें कुछ मुझे कम लगे। जो घर का है फुल्ली डैमेज हाउस 1,20,000 पर हाउस, और अगर पार्शली डैमेज हाउस है
जहां पे कम से कम 15% नुकसान हुआ है, तो 10,000 रुपये प्रति घर पक्के के लिए, और झोपड़ी के केस में 8,000 रुपये प्रति हाथ प्रति झोपड़ी, और कैटल शेड 3,000 प्रति शेड। इसका विचार करेंगे दोबारा से, इसकी घोषणा हम करेंगे। हाँ, ये कई साल पुराना है, उस पर 18 का शायद, कब का? ये बाढ़ आने से पहले जो हमारा इस साल का रिविजन भारत सरकार ने किया था वो, लेकिन एक बात ये है कि जो भारत सरकार के कॉम्पनसेशन नॉर्म्स होते हैं, अगर आप फसलों में लेंगे तो उससे कहीं ज्यादा हम देते हैं अपने घर से। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इससे भी ऊपर स्टेट बजट से लिया, नहीं सर ने स्पष्ट किया कि इंश्योरेंस के बाहर उससे बाहर जिसका इंश्योरेंस के नहीं कारणों से नहीं कराया गया। इसी प्रकार जैसे अब थोड़ा कंपनसेशन के ही विषय है, एक दो जो पहले कुछ दिन पहले विचार आया था लेकिन वो घोषणा नहीं कर पाया था मैं, जो कावड़िए जो हैं जिनका भी शिवरात्रि शायद 18 या 20 तारीख को थी जुलाई में जी, उससे पहले कुछ कावड़ियाज की डेथ हुई है एक्सीडेंट में, जो भी कुछ कारण रहे, पिछले बार भी हमने दिया था उसी पैटर्न पर जैसे पिछले साल किया था उसी हिसाब से 2,00,000 रुपया प्रति कावड़ी जो इसकी डेथ हुई, जो हरियाणा का रहने वाला है, ऐसे व्यक्तियों को 2,00,000, 24 लोगों की अभी तक हमारे पास जानकारी है, 2,00,000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति कावड़िया, वो उसको कंपनसेशन हमने पिछले साल का जो तय किया हुआ है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से एक कंसेशन और मैं आज घोषणा कर रहा हूं, वो है हमारा जो HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इसमें पिछले दिनों में बिजली के बिलों का एक विषय आया था, पानी का तो 5% प्रति वर्ष के हिसाब से उन्हें पिछले 5 साल का 25% बढ़ा के बिल दे दिए थे। विचार करने के बाद हमें आया कि ये गलती वास्तव में डिपार्टमेंट की है, उस समय 5% बढ़ाने का एक सर्कुलर निकाला लेकिन उसकी डिमांड नोट कभी भेजा नहीं गया, हमने सारे रिकॉर्ड देख लिए हैं, वो फाइल में केवल बढ़ा करके छोड़ दिया, और अब आकर 5 साल का इकट्ठा डिमांड नोट भेजा। बहुत लोगों ने कहा कि आखिर एक साथ ऐसे 25% का रेट बढ़ाना उचित नहीं है, तो बहुत सुझाव आए अलग अलग, लेकिन अंतोगत तो हमने फैसला किया कि ये 5% की बढ़ोतरी जो 2018 में की थी 18 से 23 तक, अब तक सारी फ्री कर देंगे हम, केवल अब से वो 5% आगे लागू होगी, पिछला 25% जो है उस बिल का वो सारा जो है वेव कर दिया है। लगभग 42 करोड़ रुपए का इसमें HSVP के ऊपर एक अलग से प्रावधान किया गया है उसमें। ये सब तो जो हमने कंपनसेशन के नाते से जो घोषणा की है वो है। अब विषय सीधा सीधा आप भी आखिर जरूर कहेंगे, वो है नूह का ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इस घटना के संबंध में सब जानकारियां दे दी गई हैं। आज हमारे DGP सब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गुड़गांव में, सब समाचार आपको आए हैं। उसमें मैं इतना ही कहूंगा कि इसके बाद शांति बनी रहे और किसी प्रकार की जो चीज है वो अनदेखी न जाए, तो हमने उसके सारे जो इंतजाम किए हैं अभी तक, जैसा मैंने बताया कि 20 कंपनीज पैरामिलिट्री की हमने बुलाई हैं, जिसमें से 14 कंपनीज नूह जिले में, 3 कंपनीज पलवल में, 2 गुरुग्राम में और 1 फरीदाबाद में, 4 कंपनीज की डिमांड आज हमने और की है बाहर के स्थानों के लिए, ताकि एक सावधानी के लिए एक क्योंकि कई घटनाएं छोटपुट किसी न किसी स्थान पर जो होती रही हैं, तो वहां सबको ध्यान रखा जाए, कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी कोई ना कर सके और ये आगे कोई इस वातावरण में शांति बनी रहे। आज दिन भर में भी कई जगह की गैदरिंग, कई तरह के ज्ञापन ये सब दिए गए हैं, लेकिन सभी जगह पर शांतिपूर्वक सारा विषय लगभग सबके ज्ञापन जो है वो हो चुके हैं। किसी ने DC ऑफिस जाके दिया होगा, कहीं किसी ने गैदरिंग की होगी, ये सारे विषय जो है वो समाप्त हो गए हैं। 6 लोगों की जैसे मैंने बताया आज सुबह भी कि उनकी डेथ रिपोर्टेड है, 2 उसमें पुलिस के लोग हैं, 4 उसमें सिविलियंस हैं। अभी तक 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। पूछताछ करने के बाद
उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो बनेगी वो सब की जाएगी। और इसके बाद ये सारा जो विषय आया है इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी योजना हमारी इसमें बनी है। आगे के लिए कुछ चीजें हमने जो और तय की हैं, उसमें एक ये तय किया है कि एक आईआरबी की बटालियन नू जिले में ही स्थापित की जाएगी। जो अभी दो बटालियन भौंडसी में है उसमें से एक बटालियन नू जिले में, जगह हमने देख ली है लेकिन वो जगह बनने में थोड़ा समय लगेगा, उससे पहले किसी टेम्परेरी भवन में एक बटालियन में कितने लोग होंगे, हजार लोग लगभग, तो हजार लोगों की व्यवस्था वहां उसी जिले में कहीं ना कहीं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कभी भी उसका मानो उपयोग करना हो तो उपयोग किया जा सके। हमने एक पुलिस में एनफोर्समेंट ब्यूरो अलग से बनाया है, उसके लिए 5-6 विभागों में, खास करके जिनमें टैक्सेशन की चोरी होती है, जहां कहीं थोड़ा इस प्रकार के विषय है जो जो लोगों के नाते भी, सरकार के नाते भी अनपॉपुलर हैं या जो एक किसी न किसी नुकसान को पैदा कर सकते हैं, इन चीजों को चेक करने के लिए पुलिस का एक लाइन ऑर्डर के लिए अलग से सारा होगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए होगा। लेकिन एक इस प्रकार के जैसे माइनिंग है, जैसे एक्साइज टैक्सेशन है, जैसे पावर है, जैसे इरीगेशन है, तो इस प्रकार से 5-6 डिपार्टमेंट पहले विचार किए थे। लेकिन नू जिले में जो ये काउ प्रोटेक्शन एक बड़ा विषय है, वहां स्मगलिंग होती है, वहां गोहत्या भी होती है, तो हम उस जिले में एनफोर्समेंट जो हमारा ब्यूरो है उसको काउ प्रोटेक्शन, काउ ये जो सिक्योरिटी का जो काम है ये भी उनके माध्यम से कराएंगे, और 100 जवान अलग से उस व्यवस्था के लिए वहां रखे जाएंगे, ताकि ये समस्या भी आगे ना आए। और मैं तो खास करके ऐसे मुस्लिम भाई, जो बहुत लोग मुसलमान भी हैं जो यानी गोरक्षा के हित में भी बोलते हैं, काम करते हैं, उनका कोई उसमें विरोध नहीं है, बल्कि सहयोग भी करते हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच खुल करके उसमें इस मूवमेंट में साथ देता है। तो मैं तो ऐसे मुस्लिम नौजवानों को भी प्रोत्साहन के नाते से अलग से योजना बना करके भी उनको प्रोत्साहन देंगे कि मुस्लिम लोग भी अगर गोरक्षा में आगे आते हैं, ताकि वहां किसी प्रकार का आपसी भाईचारा ये न बिगड़े, हमेशा हमेशा के लिए इन चीजों को हम ठीक कर सकें, तो इसका भी एक अलग से हम योजना बनाएंगे। मोटे रूप से आज के इस संदर्भ में विषय इतने ही मुझे आपके सामने रखने थे। अपनी बात आपको लगती है तो जरूर से पूछें। एक मेरा निवेदन